सौभाटी परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। भगवती चरण वर्मा जी जो है हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख कवि है और इनका जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद जो की प्रयागराज के नाम से जाना जाता है वहां से इन्होंने BA और LLB की। शुरुआत में इन्होंने कविता लिखने पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे इनका रुझान जो है वो उपन्यास की ओर जाने लगा और इनकी रुचि कहाँ जागृत हो गई, उपन्यास लिखने में। उपन्यास को इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने किया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफी समय तक आकाशवाणी के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दी गई। बच्चों आज जो हम इनकी कविता पढ़ने वाले हैं दीवानों की हस्ती, इसके अंदर इन्होंने मस्त वाला व्यक्ति जो होता है जिसे किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता, जो केवल अपने आप से मतलब रखता है। हाँ तो बच्चों ये जो कविता है दीवानों की हस्ती, इसमें मस्त मौला व्यक्ति जो है कवि लिख रहा है कि जो ऐसे लोग जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो जहाँ जाते हैं हर और खुशियां भी फिरते हुए जाते हैं, ऐसे दीवानों के पोयम, दीवानों से रिलेटेड, दीवानों से संबंधित कविता उन्होंने लिखी है। देखते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ तक वहां चले, अर्थात हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं, अर्थात हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि हम हमारा स्वार्थ पूरा करने के लिए कभी यहाँ कभी वहां, नहीं है आज यहाँ हम, आज यहाँ है तो कल वहां चले, यानी इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है कि इनको कहीं कभी कहीं जा, मतलब एक निश्चित स्थान पर टिक कर ये नहीं रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, एक स्थान पर टिक कर ये नहीं रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला हम भूल उड़ाते जहां चले, ये जहां भी जाते हैं वहां चारों ओर खुशियां भी फेर देते हैं, वहां खुशहाली का माहौल फैला देते हैं और ये जो कठिनाइयां हैं जीवन की, जो बाधाएं हैं, जो दुख हैं, उनको भूल की तरह उड़ाते हुए चलते हैं। ये जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका डटकर सामना करते हैं, उनसे घबराते नहीं है बल्कि उनका सामना करते हुए और खुशियों का माहौल चारों ओर फैलाते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, कि ये जब आए थे तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, उल्लास था, यानी चारों ओर खुशनुमा माहौल बन गया था। आंसू बनकर बह चले अभी और अभी ये चले गए, अर्थात वो आते हैं और आते ही चले जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो आंसू बनकर वो आंखों से बहने लग जाते हैं, यानी वो ऐसा माहौल बना देते हैं आसपास कि उनके जाने पर सब दुखी होते हैं, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ये जिस वातावरण में जाते हैं, जिन लोगों के पास में जाते हैं, वहां लोगों के पास में जाने पर वहां के वातावरण से मिलजुल जाते हैं और इतना मिलजुल जाते हैं कि जब वो वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है ये लोग एक जगह टिककर नहीं रहते हैं, घुमक्कड़ जाति के ये लोग हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, जो एक स्थान पर अपना टिककर के कोई भी निवास नहीं बनाते हैं। तो जैसे ही जाने लगते हैं तो वहां के आसपास के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे आप अभी तो आए थे और अभी जा रहे हो, अर्थात तुमको अच्छा नहीं लगता कि आप अपने साथ में इतनी सारी खुशियों को लेकर के आए थे, इतना सारा उत्साह, इतना सारा उल्लास लेकर के आए थे, अब आप जा रहे हो तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, किस और चले ये मत पूछो। अब जब वो लोग उनसे प्रश्न करते कि आप किधर जा रहे हो तो वो मना करते कि हम किस और जा रहे हैं, उनसे मत पूछो, क्योंकि हमें भी नहीं पता है हमें कहाँ जाना है, हमें जहाँ जाना है हमें भी उसका पता नहीं पता है, चलना है बस इसलिए चले कि इस जीवन में डूबना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है, बहुत गलती करते हैं लोग जो अपने अपने गंतव्य से पहले ही डूब जाते हैं, तो चलना इस संसार का नियम है इसलिए हम चले जा रहे हैं, जब से उसका कुछ लिए चले, इस संसार ने, इस दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, जग को अपना कुछ दिए चले, इसलिए हम थोड़ी सी खुशी या थोड़ा सा उल्लास इस संसार को देना चाहते हैं, जो कुछ हमने इस संसार से पाया है उसमें से थोड़ा बहुत हम इसको देना चाहते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये जाते हैं वहां पे कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी समस्याओं का वर्णन इनसे करते हैं और ये भी अपनी जो आशापूर्ण बातें हैं वो उनको बताते हैं ताकि उनकी निराशा खत्म हो और उनमें उत्साह का संचार हो, उल्लास का संचार हो। तो यहाँ पर कभी ये कह रहे हैं कि दो बात कही
दो बात सुनी कि हमने भी अपने मन की बात कही और उन लोगों ने भी जिनके पास में गए थे उन्होंने भी अपने मन की बात कही, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ बात कुछ लोगों की बातें ऐसी थी जो दुख भरी थी, कुछ लोगों की बातें ऐसी थी जो सुख भरी थी। तो ये सुख और दुख दोनों तरह की बातें इन लोगों में हुई। छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों ही स्थिति में हमें समभाव से रहना चाहिए। किसी प्रकार का दुख हमें दुखी नहीं करता और किसी प्रकार का सुख हमें सुखी नहीं करता। ना तो दुख आने पर हम रोते हैं और ना ही सुख आने पर हम खुश होते हैं। हम दोनों ही अवस्था में एक जैसे रहते हैं और हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए बच्चों। ना तो हमें दुख में दुखी होना चाहिए और ना ही सुख में हमें इतना सुखी हो जाना चाहिए ताकि हम अपने बीते हुए दिनों को भूल जाए, क्योंकि बच्चों सुख और दुख जो है दिन और रात की तरह होते हैं। फिर है हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लूटाकर प्यार जुड़े। अब यहाँ पर कभी कह रहा है कि जो संसार है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो हर किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों के उन्होंने कहा कि हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले कि हम ऐसे लोगों के बीच भी, यानी जो केवल अपना स्वार्थ साधना जानते हैं वो स्वार्थी लोगों के बीच भी हम स्वच्छंद, यानी हम बिल्कुल बिना किसी लेन देन के भाव के हम वहां पर स्वच्छंदता से प्रेम लुटाते चलते हैं। हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल हमारे जीवन में जितना प्यार है, जितनी खुशहाली है, जितना उत्साह है हम उन्हें देना चाहते हैं। हम एक ही निशानी सी उर्पर ले असफलता का भार चले। हमारे जीवन में ना जाने कितनी ही एक जो जैसे आप चींटी को देखते हो कितनी ही बार ऊपर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, उस ऊपर चढ़ने के प्रयास में वो ना जाने कितनी बार नीचे गिरती है और कितनी बार उसको वापस ऊपर चढ़ना पड़ता है, लेकिन इस प्रयास को करते करते वो एक बार ऊपर दीवार पर चढ़ी जाती है। तो ऐसे ही आपने इन्होंने कहा है कि जीवन में पता नहीं कितनी बार आपको असफलताएं मिलेंगी, कितनी ही बार आपको हार का सामना करना पड़ेगा। तो उन हार ऐसी हारों को हम अपने हृदय में, हम अपने मन में निशानी के समान लेके चलते हैं। ले असफलता का भार चले और ऐसी असफलताओं का भार हम ढोते हुए चलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में मिलने वाली निराशाएं या जीवन में मिलने वाली जितनी भी असफलताएं हैं उनको भी एक दीवाने लोग अपने ऊपर भार के समान लेते हुए चलते हैं, इस संसार से हटा के चलते हैं, वहां से लेकर के जाते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कह रहे हैं कि ना तो हमारे लिए कोई अपना है ना ही कोई पराया, यानी पूरा का पूरा संसार जो है, इस पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम सम भाव से देखते हैं, एक समान भाव से हम उनको देखते हैं। ना तो हमारे लिए कोई अपना है ना तो कोई हमारे लिए पराया है। आबाद रहे रुकने वाले, जो लोग जहाँ रुक गए, जिसको जो मंजिल मिल गई, या जो लोग ये सोच के रुक गए रास्ते में कि उन्हें उनकी मंजिल मिल गई है, ऐसे लोग हमेशा आबाद रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले कि हम भी कभी ऐसे बंधनों में बंधे थे, हमें भी लगा था हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, लेकिन हमें जब पता चला कि ये बंधन है हमें बांधने के लिए, तो हम ऐसे बंधनों को तोड़ करके स्वतंत्र हो गए और इस जीवन में आगे चलते रहे। यानी ये जो संसारिक महामाया है ये बंधन की तरह होती है और इन बंधनों को तोड़ करके हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। हम दीवारों की कोई हस्ती नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम बिना किसी स्वार्थ के संसार को कुछ देना चाहते हैं और इस संसार में चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो, चारों ओर हमेशा खुशनुमा माहौल हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कविता दीवारों की हस्ती। तो फिर हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।